अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर नंबर 12, इकबाल हुसैन उदयपुर वाला से, विच इज़ द ऑटोस्क्लेरोसिस। इसकी हम ओटियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इन्वेस्टिगेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऑटोस्क्लेरोसिस या ऑटोस्पंजोसिस होता क्या है, एक लोकलाइज्ड डिजीज़ है ऑर्टिक कैप्सूल की। ऑर्टिक कैप्सूल आपको पता है हमारा जो बोनी लेबरिंथ है उसको हम कहते हैं ऑर्टिक कैप्सूल, उसी की ये डिजीज़ है। इसमें क्या होता है ना, एक न्यू स्पंजी बोन बन जाती है जो कि एनकाइलोसिस करवा देगी फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज की टू द मार्जिन्स ऑफ द ओवर विंडो और मे इन्वेड टू इन्वॉल्व द कोक्लिया। यानी हमारी जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज होते हैं ना उस पर जो है ये एनकाइलोसिस करवा देगी, क्योंकि देखिए ये ओवल विंडो पर खुल रहा है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। तो इसकी फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ की और इसके जो ओवल विंडो के मार्जिन हैं इनकी एनकाइलोसिस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे न्यू स्पंजी बोन ग्रो कर जाती है, ठीक है, न्यू स्पंजी बोन फॉर्मेशन की वजह से इसकी एनकाइलोसिस होगी। और या फिर ये इन्वेड कर जाएगा जो आगे कॉक्लिया होता है हमारा, उसमें भी इन्वेड कर सकता है, ठीक है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस या ऑटोस्पंजोसिस। तो आपने इसमें याद रखना है कि एनकाइलोसिस स्टेपीज़ की सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब हुई बाय वेलसेल्वा इन 1704। एंड टोनी बी ने इसको फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज को डिस्क्राइब किया, टोनी बी ने, ठीक है, टू द मार्जिन्स ऑफ द ओवल विंडो। यानी मार्जिन जो है ना इस ओवल विंडो के यहाँ पे इसकी फिक्सेशन हो जाती है, ये टोनी बी ने एक्सप्लेन किया 1841 में, जबकि एनकाइलोसिस हो रही है ये 1704 में वेलसेल्वा ने एक्सप्लेन की। अब इटियोलॉजी किस तरह होती है ये ऑटोस्क्लेरोसिस, एग्जैक्ट इसका इटियोलॉजी तो अभी तक अननोन है, ये हमने डिंगरा में भी डिस्कस किया। बस कुछ फैक्टर्स हैं सर्टेन एसोसिएटेड होते हैं इस डिजीज़ के साथ, वो हमें वेल नोन है। सबसे पहला नंबर वन हेरिडिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हेरिडिटरी फैक्टर, हमने कहा कि ऑटोस्क्लेरोसिस 50% केसेस में जो पेशेंट होते हैं उनको फैमिली हिस्ट्री होती है ऑटोस्क्लेरोसिस की। अफेक्टेड मेंबर जो है सेम ब्लड ग्रुप को भी बिलोंग कर सकते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं उनको ऑटोस्क्लेरोसिस है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि उनको डेवलप हो। ये हमने कहा था ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न रखती है विथ कंप्लीट पेनिट्रेंस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न से इनहेरिट होगी ऑटोस्क्लेरोसिस। नंबर टू है वायरल, वायरल कॉजेज भी होते हैं। देखिए ऑटोस्क्लेरोसिस की सिमिलैरिटी है पैगेट्स डिजीज़ के साथ, पैगेट्स डिजीज़ जिसमें ना बोन में एविडेंस होता है कि पैगेट्स डिजीज़ ऑफ द बोन जो है ना उसके साथ इसकी सिमिलैरिटी है, जिसमें हमें वायरल ओरिजिन का एविडेंस होता है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ऑटोस्क्लेरोसिस किसी परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है अफेक्टेड बोन के अंदर। जब वायरल इन्फेक्शन हो जिस तरह पैगेट डिजीज़ में होता है, उसी तरह ऑटोस्क्लेरोसिस भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नंबर थर्ड हम कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून की वजह से हुआ है। अब देखिए ना, पोस्टुलेट हुआ है कि ऑटोस्क्लेरोसिस जो ऑटो इम्यूनिटी जब हो जाए अगेंस्ट हमारे टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स के अगेंस्ट तो ऑटोस्क्लेरोसिस होगा। एलिवेटेड लेवल ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ का हमारे टाइप 2 कोलेजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़, ये भी ऑटोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स में मिली हैं, तभी हम इसको कह रहे हैं कि ये ऑटो इम्यून ओरिजिन की हो सकती है। नंबर फोर कॉज होता है बायोकेमिकल ऑटोस्क्लेरोसिस, हम कह सकते हैं कि वो असल में रीएक्टिवेशन का रिजल्ट है, यानी कि रीएक्टिवेशन हुई है किसी अरेस्टेड सेकेंडरी रीमॉडलिंग प्रोसेस की विद इन द कार्टिलेजिनस रेस्ट एरिया ऑफ द ऑर्टिक कैप्सूल। हमारा ऑर्टिक कैप्सूल है ना जो बोनी लेबरिंथ, उसमें कोई कार्टिलेजिनस रेस्ट एरिया था, वहाँ पे सेकेंडरीली अब जो अरेस्ट हो गई थी रीमॉडलिंग का प्रोसेस, वो अब रीएक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस हुई है। ठीक है, वो कार्टिलेजिनस था ना, अब वहाँ पे बोन स्पंज बोन ग्रो होना शुरू हुई और ऑटोस्क्लेरोसिस हुई है, तो बायोकेमिकल कॉज भी हो सकता है। नंबर फाइव सेक्स, तो फीमेल्स में ऑटोस्क्लेरोसिस याद रखिएगा ज़्यादा कॉमन है। रेस के हिसाब से देखें तो फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों में ज़्यादा कॉमन होती है और मोर प्रोन होता है बनस्पत डार्क कॉम्प्लेक्शन के। नंबर सेवन पॉइंट है कि एज ऑफ ऑनसेट क्या होगी। अब इसकी जो डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन वो आपने याद रखनी है, 20 और 30 साल की उम्र के दरमियान ऑटोस्क्लेरोसिस स्टार्ट होता है। रेयरली ये बिफोर द एज ऑफ 10 एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन मोस्टली 20 to 30 के दरमियान। प्रेगनेंसी पे भी इसका इफेक्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना ऑटोस्क्लेरोसिस के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एग्रवेट होंगे, लेकिन प्रेगनेंसी इट्सेल्फ इज़ नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज़, उसकी वजह से नहीं हुआ ऑटोस्क्लेरोसिस, बस एग्रवेट होगी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट हैव सिमिलर इफेक्ट, ठीक है, इनसे भी ऑटोस्क्लेरोसिस एग्रवेट होगी। नंबर नाइन हम कह सकते हैं एटियोलॉजी में ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा का वैसे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है इस डिजीज़ के ऑनसेट में, लेकिन हम कह सकते हैं ट्रॉमा से ये कंडीशन एग्रवेट होती है, ठीक है, और ये ग्रेट मेडिकल लेवल इंपॉर्टेंस रखती है कंपनसेशन केसेस में।
कंपनसेशन केस होता है ना, यानी जिस तरह इंश्योरेंस केस जो हो गया, यानी जिसमें मनी पे करनी होती है क्योंकि कोई जो है हर्ट हो गया है या किसी का कोई लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत रखती है। क्यों? क्योंकि वही बात कि ट्रॉमा की वजह से ये एग्रेवेट होती है डिजीज़, तो कोई भी चार्ज लगा सकता है किसी के अगेंस्ट, ठीक है। देन है पैथोलॉजी, किस तरह होती है ऑटोस्क्लेरोसिस, पैथोलॉजी क्या है। ऑटोस्क्लेरोसिस डिजीज़ है जो कि ऑर्टिक कैप्सूल तक ही लिमिटेड होती है। बहुत अच्छे से ये मैंने डिंगरा बुक में एक्सप्लेन किया है, वो देखेंगे वीडियोस तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, और उसमें पिक्चर्स भी हैं। तो बस इतना याद रखें कि ऑर्टिक कैप्सूल में जो है ये ज़्यादातर लिमिटेड रहती है, बाकी बोन्स ऑफ द बॉडी को ऑटोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्व नहीं करती, ऑर्टिक कैप्सूल को, हमारे बोनी लेबरिंथ को, ठीक है। हमारी जो नॉर्मल बोन होती है ना ऑर्टिक कैप्सूल की, वो अब्सॉर्ब हो जाती है और इसमें रिप्लेस हो जाती है बाय स्पंजी और इमेच्योर ऑस्टियोइड बोन के साथ। नॉर्मल बोन नहीं रही, स्पंजी इमेच्योर ऑस्टियोइड बोन आ गई। अब ये जो प्रोसेस है ये एंडोकोंड्रल लेयर जो है बोनी ऑर्टिक कैप्सूल की, उसके अंदर होता है। हमने डिंगरा में भी पढ़ी थी, तीन लेयर्स होती हैं। एक सबसे इनर मोस्ट होती है एंडोस्टियल लेयर होती है, उसके बाद बीच में एंडोकोंड्रल होती है, एंड देन बाद में आता है ऑर्टिक कैप्सूल। तो ये जो एंडोकोंड्रल वाली लेयर है उसमें ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पे स्पंजी इमेच्योर ऑस्टियोइड बोन आ जाती है इंस्टेड ऑफ द ऑर्टिक कैप्सूल, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस तरह की ये जो बोनी चेंजेस है ये वन और मोर कॉन्स्टेंट साइट ऑफ द ऑर्टिक कैप्सूल पे होंगे। मोस्ट कॉमन इसकी साइट भी आपने याद रखनी है जो थी ओवल विंडो के बिल्कुल एंटीरियरली, उसको हम कह रहे थे फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम। जो ओवल विंडो होती है ना स्टेपीज जिसके साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी के एंटीरियरली फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम एक साइट होती है, वहाँ पे ये होने का ज़्यादा प्रीडायलेक्शन होती है कि यहाँ पे ऑटोस्क्लेरोसिस डेवलप हो। तो वहाँ पे अगर होगी तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज की एनकाइलोसिस हो जाएगी टू द मार्जिन ऑफ द ओवल विंडो, ठीक है, उसके साथ एनकाइलोज हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। एनकाइलोसिस कहते हैं हम एबनॉर्मल फ्यूजन हो जाए बोन्स की, स्पेशली जॉइंट्स की, जॉइंट के अंदर, ठीक है, तो उसकी एनकाइलोसिस हो जाएगी। साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम। अब एबनॉर्मल जो बोन है ये बाकी साइट्स ऑफ द ऑप्टिक कैप्सूल में भी मिल सकती है, लेकिन यूजुअली वहाँ पे कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं कराएगी, क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर टू द ओवल विंडो जब होगी फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम में या एनकाइलोसिस, तो यहाँ पे ये सिम्टम करवाएगी क्योंकि एनकाइलोसिस हो जाएगी। अगर यहाँ पे बोनी चेंज हुआ ना, मतलब ओवल विंडो के बिल्कुल एंटीरियरली फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम में अगर होगा बोनी चेंज, तो एनकाइलोसिस हो जाएगी हमारी फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज की मार्जिन्स ऑफ ओवल विंडो के साथ। लेकिन बाकी साइट्स पे अगर कहीं पे भी बोनी चेंजेस होंगे तो इतने मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। अब आता है मीजल्स वायरस का जो आरएनए है वो भी हमें ऑटोस्क्लेरोटिक जो फोकाए होते हैं फुट प्लेट पे उनमें मिले हैं, आरएनए मिला है मीजल्स का जो हमने रिमूव किया ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, जो फोकाए जब हम रिमूव करते हैं डिटेक्ट हुआ है, और ये अज्यूम हुआ है कि यही इन्फेक्शन मीजल वायरस का इन्फेक्शन एक्टिवेट कर सकता है जीन को जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी हो गई कहानी पैथोलॉजी। अब आती है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर में आपने याद रखना है डेफनेस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। ऑटोस्क्लेरोसिस मतलब हो गई है इसकी फिक्सेशन हो गई है स्टेपीज की फुट प्लेट की, तो ओवल विंडो पे। तो अब क्या होगा इसमें, सिम्टम क्या होगा, सबसे पहले डेफनेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीडोमिनेंट सिम्टम है, क्योंकि अब इसकी मोबिलिटी नहीं होगी तो डेफनेस हो जाएगी, ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। 80% ऑफ केसेस में दोनों साइड पे बायलेटरली पेशेंट को डेफनेस होगी, ठीक है। डेफनेस कंडक्टिव टाइप की होती है, आपने याद रखना है कंडक्शन ही नहीं हो रही ना, इम्पेयर हो रही है, और इंसीडियसली स्टार्ट होगी, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करेगी। रेयरली पेशेंट्स को ना सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी हो सकती है, और जब एबनॉर्मल बोन जाके अगर इस कोक्लिया को इन्वेड कर देगी तो उनको सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी, ठीक है। वैसे तो डिंगरा में हमने तीन तरह की ऑटोस्क्लेरोसिस की टाइप्स देखी थी, तो हिस्टोलॉजिक होती है, कॉक्लियर होती है, एंड स्टेपीज की ऑटोस्क्लेरोसिस होती है। लेकिन यहाँ पे जो है फिलहाल तो एक ही डिस्कस हुई, यहाँ पे देखिए कॉक्लिया की ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है। तो अगर ये इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर पेशेंट को सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी होगी, वरना स्टेपीज की वजह से सिर्फ कंडक्टिव डेफनेस होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा पैराक्यूसिस विलिसाई, ये क्या होता है, ये एक फिनोमेना होता है जिसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, यानी कि पेशेंट को जो नॉइजी वाली जगह होती है, शोर वाली जगह, वहाँ पे ज़्यादा सुनाई देगा। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, और लेकिन ढिंगरा में यही रीज़न थी कि नॉइजी प्लेस में लोग ऊँचा बोलते हैं, तो ऑटोस्क्लेरोटिक पेशेंट को ऊँचा ही सुनाई देता है। टिनाइटिस नियरली ऑलवेज प्रेजेंट होगी ऑटोस्क्लेरोसिस में, ठीक है, टिनाइटिस भी होगी। पेशेंट जो है वर्टाइगो की भी कंप्लेन कर सकता है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस में तो हमें जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो हमें बिल्कुल जो है नॉर्मल ही नज़र आएगी। 10% जो केसेस होते हैं ना उनमें फ्लेमिंगो पिंक टिंच हमें नज़र आएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ड्यू टू द हाइपरीमिया ऑफ द प्रोमोन्ट्री।
जो प्रोमोंट्री, इसको हम शॉर्ट साइन कहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये ऑटोस्क्लेरोसिस में हमें जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू एक हाई फ्लेमिंग को पिंक टिंज नज़र आ रहा है, प्रोमोंट्री का जो पीछे प्रोमोंट्री है ना मिडल ईयर में, उसका जो हमें पिंक टिंज नज़र आ रहा है उसकी हाइपरीमिया की वजह से, इसको कह रहे हैं हम शॉर्ट साइन, और ये हमें ऑटोस्क्लेरोसिस में ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम ट्यूनिंग फॉग टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें नेगेटिव रिनी टेस्ट मिलता है अफेक्टेड साइड पे, और वेबर टेस्ट जो है उसी साइड पे लेटरलाइज हो जाएगा, यानी जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे रिनी टेस्ट नेगेटिव है, यानी बोन कंडक्शन ज़्यादा है बनस्पत एयर कंडक्शन की, क्योंकि एयर कंडक्शन इम्पेयर हुई है ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से। और वेबर टेस्ट की बात करें तो वो होता ही बोन कंडक्शन से रिलेटेड है, तो जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पर ही बोन कंडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो लेटरलाइजेशन डिजीज़ वाले एयर की तरफ ही होगी वेबर में। वेलसेल्फा मैन्यूवर करेंगे तो यूस्टेशियन ट्यूब हमें पैटेंट मिलती है इसमें। ठीक हो गया, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं ऑटोस्क्लेरोसिस के, समराइज़ करें, हमने कहा पैराक्यूसिस विलिस आए, ये टू थाउजेंड हर्ट्स पे बोन कंडक्शन एक डिप शो करेगा, जिसको हम कार हार्ट्स नॉच कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 12.2 में भी शोन है, ये जब 12,000 फ्रीक्वेंसी आई है तो इसने एक डिप शो किया, इसको हम कह रहे हैं कार हार्ट नॉच, ये हमें मिलता है ऑटो स्क्लेरोसिस में। ठीक है, 2000 हर्ट्स पे, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर टू, हमने प्योर टोन ऑडियोमेट्री के अलावा इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री करवानी होती है, तो उसमें हमें कंप्लायंस रिड्यूस्ड मिलेगी विद द नॉर्मल मिडल ईयर प्रेशर टाइप AS टिम्पेनोग्राम, ये 5.10 चैप्टर में है, फिगर में पिछले चैप्टर में उसमें आप देखें, और स्टेपीडियल रिफ्लेक्स भी जो है वो पेशेंट का एब्सेंट होगा। ठीक है, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नहीं हो पाएगा, स्टेपीडियस का जो होता है। नंबर थर्ड, हम जब रेडियोग्राफी करेंगे तो टोमोग्राम्स और हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन में हमें फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज की थिकनिंग मिलेगी, जो कि सराउंड हुआ होगा बाय थिक बोन। ठीक है, थिक बोन से सराउंड होगा, लेकिन क्लिनिकल पिक्चर इनकी जो है इतनी हेल्पफुल नहीं होती डायग्नोसिस के लिए, और हैंस रूटीनली नहीं करते हम। बस इतना याद रखें कि टोमोग्राम पे और हाई रेजोल्यूशन CT पे हमें जो फुट प्लेट है स्टेपीज का, उस पे उसके अराउंड जो है थिकनिंग नज़र आएगी। ठीक है, थिक बोन नज़र आएगी। अब डिफरेंशियल क्या हो सकता है, अब ये कंडीशन ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है, इसको हमें बाकी जो कंडक्टिव डेफनेस की बाकी जो कॉजेज़ होते हैं उनसे डिफरेंशिएट करना होता है। नंबर वन, अडहेसिव ओटाइटिस मीडिया या हील सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें क्या होगा कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमें स्कार शो करेगी। देखिए ना, अडहेजन फॉर्मेशन हो रही है ना, तो उसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे हमें स्कार फॉर्मेशन मिलेगी, ये कह रहा है अडहेसिव ओटाइटिस। नंबर टू, हमें इसमें टिम्पेनोस्क्लेरोसिस मिल सकता है, यानी कि वाइट किस्म के चौकी पैचेस होंगे जो हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे नज़र आते हैं टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, तो उससे हमने डिफ्रेंशिएट करना है ऑटोस्क्लेरोसिस को, जबकि टिम्पेनोस्क्लेरोसिस में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे चौकी वाइट पेचेस होंगे। नंबर थर्ड, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन से डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसमें हम इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री करेंगे ना, तो उसमें हमें फ्लैट ग्राफ मिलता है, यानी टाइप बी ग्राफ मिलेगा। और ऑसिक्यूलर डिसलोकेशन जब जो है उससे भी डिफरेंशिएट करना है, उसमें हमें हाई कंप्लायंस मिलती है ऑन इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री, यानी टाइप AD ग्राफ। अब ट्रीटमेंट क्या है ऑटोस्क्लेरोसिस का, डिपेंड करता है स्टेज कौन सा है, सिवियरिटी क्या है, और टाइप ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस कौन सी है। अगर अर्ली स्टेज चल रहा है तो रेगुलर फॉलोअप हमने पेशेंट को इंडिकेट करना होगा, कोई भी ड्रग जो है वो उसकी डेफनेस को रिलीव नहीं कर सकती। ठीक है, हियरिंग एड जो होते हैं ना, ये हम एडवाइस करते हैं अदर टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन वाले केसेस में, जहाँ पे सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो हम हियरिंग एड्स देते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इंडिकेट करेंगे जब लार्ज एयर बोन गैप हो, तब सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है अब रिवोल्यूशनाइज हुआ है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेपिडेक्टोमी ऑपरेशन। डिंगरा में पूरा मैंने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है स्टेपिडेक्टोमी, जो 1958 में ऑपरेशन जो है रिवोल्यूशनाइज हुआ, वो आजकल सर्जिकली किया जाता है। स्टेपिडेक्टोमी में क्या करते हैं, फुट प्लेट जो स्टेपीज का है उसको, जो ऑटोस्क्लेरोटिक हो गया है, उसमें एनकाइरोसिस हो गई, उसको हमने रिमूव करना है, और फिर वहाँ पे एक प्रोस्थेसिस लगा देना है, टाइटेनियम वगैरह के प्रोस्थेसिस होते हैं वो हम लगा देंगे। और इसमें भी मॉडिफिकेशंस होती हैं टेक्निक्स ऑफ स्टेपिडेक्टोमी में, और ऑपरेशन जो है स्टेपिडोटोमी का, स्टेपिडोटोमी जिसमें हमने उसके फुट प्लेट पे होल बनाना होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है
ये ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं स्टेपिडोडोमी का, ठीक है। इस टेक्निक में फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को है कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जाता, स्टेपिडोटोमी में ये फ़र्क आपने याद रखना है, कम्प्लीटली उसका फुट प्लेट जो है ये देखिए वो हमने रिमूव नहीं करना, यहाँ पे जो पीछे उसका ये फुट प्लेट रह जाएगा, इंस्टेड उसके अंदर हमने एक होल बना देना है इन द फुट प्लेट, और फिर एक प्रोसेसेस होती है जो कि टेफ्लॉन पिस्टन की तरह की होती है, वो इस होल में हमने इस तरह से यूँ इंसर्ट कर देनी है, वो इस तरह का होगा और फिर इनकस होगी यहाँ पे उसके साथ वो अटैच होगा, ठीक है, टेफ्लॉन पिस्टन। तो यहाँ पे भी फिगर है 12.3 में, देखें ये स्टेपिडोटोमी ऑपरेशन किया गया है, इस फिगर में दिखाया गया है कि स्टेपीज जो है अपनी पोजीशन में है और शो कर रही है न्यू स्पंजी बोन यहाँ पे ग्रो कर गई है और उसकी फिक्सेशन करवा रही है अराउंड द फुट प्लेट, ठीक है। बी फिगर में यहाँ पे सुप्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्टेपीज का, रिमूव किया गया है और फुट प्लेट पिस्टन जो है उसको हमने रख दिया है इन द प्लेस, हुक ऑफ द टाइटेनियम पिस्टन इज अटैच विद द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस, ठीक है, इसका जो है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस के साथ इसका हुक अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने होल बनाया फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज में, पूरा नहीं निकालते, इसको कहते हैं स्टेपिडोटोमी, ठीक हो गया। तो देन कह रहा है कि द अदर एंड ऑफ द पिस्टन जो हुक है उसको हमने लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस के साथ अटैच कर दिया। इसके अलावा होता है ट्रीटमेंट में फ्लोराइड थेरेपी, फ्लोराइड थेरेपी याद रखिएगा, ये जो एक्टिव केसेस होते हैं ना और जो कोकलिया में अगर ओटोस्क्लेरोसिस हो गई, कोकलियर ओटोस्क्लेरोसिस, उनके लिए हम करते हैं ताकि न्यू स्पंजी बोन की डिपोजिशन को स्टॉप कर सके, तो हम फ्लोराइड थेरेपी देते हैं। तो इसमें कोई भी फर्म एविडेंस नहीं है कि ये फ्लोराइड थेरेपी एविडेंस नहीं है कि इफेक्टिव है या नहीं। ट्रीटमेंट को समराइज़ कर लें, हमने कहा कि हम ऑटोस्क्लेरोसिस को मेडिकली ट्रीट करते हैं फ्लोराइड थेरेपी देके जो कॉन्ट्रोवर्शियल एफिकेसी रखती है, दूसरी हम सर्जिकल में हम स्टेपिडोटोमी करते हैं, इसके अलावा हेयरिंग एड भी दिया जाता है अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है। लास्ट में है प्रोग्नोसिस, तो पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस होती है ना, पेशेंट को हमने रीअश्योर करना है नेचर एंड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़, तो ये प्रोग्रेस भी करेगी, इस डिज़ीज़ की नेचर क्या है उसके बारे में हमने उसको रीअश्योर करना है, डिजीज़ वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और एब्सोल्यूट डेफनेस इसमें रेयर है, ठीक है, रेयर है इसमें एब्सोल्यूट डेफनेस। यहाँ पे एंडोस्कोपिक स्टेपिडेक्टोमी ऑपरेशन दिखाया गया विद इंसर्शन ऑफ द टेफ्लॉन पिस्टन। चैप्टर को समराइज़ करें, हमने डिस्कस किया ऑटोस्क्लेरोसिस, हमने कहा एक अननोन एटियोलॉजी की डिजीज़ है जहाँ पे हमारी जो नॉर्मल बोन होती है वो न्यू स्पंजी बोन के साथ रीप्लेस हो जाती है अराउंड द फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। अब इसमें जो कॉज होता है फिक्सेशन ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज का, और यानी वहाँ पे न्यू स्पंजी बोन आ गई है ना, तो उससे जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है ना वो उसकी फिक्सेशन हो जाएगी और कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हमने कहा हो जाती है, तो इस डिज़ीज़ का प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है इसमें, सर्जरी जो है वो डेफनेस को करेक्ट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ स्टेपिडेक्टोमी, स्टेपिडोटोमी करेंगे और टेफ्लॉन पिस्टन को इंसर्ट कर देंगे। दैट्स इट, BCQs हैं, कौन सा इनर ईयर का जो पार्ट होता है उसमें डिजीज़ हो जाती है ऑटोस्क्लेरोसिस में, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वो है हमारा ऑर्टिक कैप्सूल, ठीक है। ऑर्टिक कैप्सूल जो है वो सिर्फ जो हमारी पूरी बॉडी में जो ये ऑर्टिक कैप्सूल जो है बोनी लेबरिंथ जिसको कहते हैं, इसी बोन में हमें ये ऑटोस्क्लेरोसिस वाली डिजीज़ मिलती है इनर ईयर में, ठीक है। अब फिर कह रहा है कौन सी यूजुअल एज होती है ऑनसेट ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस की, हमने पढ़ा ये 20-30 के दरमियान होता है ऑटोस्क्लेरोसिस, 30 साल ओल्ड लेडी जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस था दोनों ईयर्स में वो प्रेगनेंट हो गई, तो क्या इफेक्ट होगा प्रेगनेंसी का ऑन हर ईयर सिम्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं, डी ऑप्शन, सिम्टम्स विल इंक्रीज, ठीक है, तो सिम्टम्स एग्रेवेट होंगे प्रेगनेंसी के दौरान। नंबर फोर्थ PCQ है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बोन दैट हैज़ रिप्लेस द नॉर्मल बोन इन केस ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस, तो वो मोर स्पंजी इमेच्योर किस्म की और ऑस्टियोइड बोन होती है, ठीक है, तो उसको हम आंसर करेंगे स्पंजी बोन जो ऑटोस्क्लेरोसिस में आके रिप्लेस कर देती है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे बोनी चेंजेस जो है स्टार्ट होंगे पेशेंट में जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस है, वो साइट हमने कहा फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल एंटीरियर टू द ओवल विंडो होता है, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रोमोटरी लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट, ये एंटीरियर टू द ओवल विंडो होता है फिस्यूला एंटीफेनिस्ट्रम, ठीक है, और यहीं से जो कॉमन साइड है जहाँ से स्टार्ट होगी ऑटोस्क्लेरोसिस। देन है 31 ईयर ओल्ड वुमेन रिपोर्टेड डेफनेस इन बोथ ईयर्स एंड वॉज डायग्नोज विद ऑटोस्क्लेरोसिस, वट इज़ द मोस्ट
कॉमन टाइप ऑफ डेफनेस इन दिस केस हमने पढ़ा ऑटोस्क्लेरोसिस में मोस्ट कॉमनली जो है वो कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस होगी. हाउ मेनी पेशेंट ऑफ द ऑटोस्क्लेरोसिस श्वार्ट्ज साइन इज यूजुअली सीन. हमने कहा सिर्फ 10% केसेस में हमें श्वार्ट्ज साइन मिलता है, फ्लेमिंगो पिंक टिंच जो हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू नजर आएगा प्रोमोटरी की हाइपरीमिया की वजह से. ठीक है, एक्टिव स्टेज में सिर्फ मिलता है 10% लोगों में. प्योटोन ऑडियोग्राम हमने परफॉर्म किया 32-year-old फीमेल पेशेंट पे जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस थी. तो फ्रीक्वेंसी में जो हमें डिप मिलता है बोन कंडक्शन में वो कहाँ पे कौन से स्टेज में होता है, वो 2000 हर्ट्ज पे मिलेगा. ठीक है, इसको याद रखिएगा 2000 हर्ट्ज, डी ऑप्शन. नंबर 9, द टिम्पेनोग्राम वॉज परफॉर्म ऑन अ 35-year-old फीमेल पेशेंट हु वॉज डायग्नोज विद ऑटोस्क्लेरोसिस. बट विल बी द टाइप ऑफ ग्राफ ऑन द टिम्पेनोग्राम. ऑटोस्क्लेरोसिस में टाइप ऑफ ग्राफ टिम्पेनोग्राम पे कौन सा होता है ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास टाइप AS ग्राफ यानी कि नॉर्मल प्रेशर एंड रिड्यूस्ड कंप्लायंस वाला ग्राफ मिलेगा. 10th क्वेश्चन है, 36-year-old वुमेन केम टू द OPD विद कंप्लेन ऑफ द मार्क डेफनेस. उसको दोनों ईयर्स में है और उसको डायग्नोज हुआ ऑटोस्क्लेरोसिस. तो सर्जिकल ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है टू ट्रीट दिस पेशेंट. हम स्टेपिडेक्टोमी कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए. ठीक हो गया, दैट्स इट. अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ विच वॉज द ऑटोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह 13 चैप्टर विच इज़ द वर्टिगो स्टार्ट करेंगे हम.